वो कवि कहाँ है? हे गोविंद राखो शरण चरण जीवन हम आपसे कह रहे हैं, आप हटिए, हमें जगह चाहिए। अरे कवि है हम, कवि। कुछ तमीज नहीं है क्या तुम लोगों में? कवि की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। सांप सूं गया क्या? अब समझ में आया, तुम लोग शायद मान्यखेट से हो ना? मैं जानता था, क्योंकि ये मान्यखेट वाले सब एक जैसे होते। अरे कला नहीं, संगीत नहीं, एकदम बेरस दुनिया। मैंने उस मृणालवती राक्षसी से छुटकारा पा लिया। अब होगी परिमल की ऐश की जिंदगी शुरू। क्या आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम कविता का कभी जानती होगी, लेकिन उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। भेड़ बकरी समझ के रखा है क्या? हम ये सब नहीं खाते। वैसे आप मान्यखेट में रह कहां रहे थे? वहीं, यहां सारे भगोड़े रहते। कहां? अरे गोदावरी के पार एक कोठा है, कोठा। बड़े बड़ों को देखा है हमने, भेष बदल बदल के वहां आते हैं। हम भी चले गए भेष बदल के, वहीं छुपे हुए थे। अरे भाई मालवा आ गया, मालवा, मालवा! ये है कवियों का राज्य मालवा। देखो मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाऊंगा। अब तुम मेरी शिष्या हो गई तो सेवा तो करनी पड़ेगी। तो ये मेरी जो पोटली है ये तुम उठाओ और मेरे पीछे 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 चलती बनो। भाई सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। अरे मालवा पहुंचना है। मालवा पहुंचने के बाद पृथ्वी वल्लभ से मिलना है, और पृथ्वी वल्लभ से मिलना कोई आसान काम नहीं है, समझ गई? और तुम लोग देख क्या रहे हो हैं? ये नाव मालवा नहीं जाएगी, यहाँ से छोटी नाव पकड़कर हमें मालवा में प्रवेश करना होगा, समझ गए तुम लोग? चलो 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 चलो। शिष्या सेवा तो बनती है। अब आओ आओ आओ। आइए
देखिए पिताजी, आपके मालवा का रंगोत्सव। प्रणाम महाराज। जाओ, तुम्हारा कवि मित्र इंतजार कर रहा है। अरब से कुछ प्रसिद्ध कवि आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बंदरगाह पे पृथ्वी की आवश्यकता है। तुम जाओ, यहीं से रंगोत्सव का आनंद उठाऊंगा। क्या हुआ रसनिधि, तुम्हारा रस क्यों भंग है? इतने वर्षों से लोग मालवा आ रहे हैं, पर वो नहीं आई जिनका बेसब्री से इंतजार है इतने वर्षों से। हो सकता है ऐसा कोई कहीं हो ही ना। ऐसा ना कहिए राजकुमार मुझ, क्या पता इस वक्त मालवा की सीमा कोई पार कर रहा हो जिसको मिलने के बाद आपका जीवन ही बदल जाए। Mother.